हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग मुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने आंवले का मुरब्बा, जो सभी घरों में जनरली ठंडों में बनता है, लेकर आई हूँ। इसकी डिश को एक नए तरीके से बनाएंगे, जिसको ना तो हम उबालेंगे आंवले को, ना ही आंवले को भाप में करेंगे। बिना उबाले बिना भाप में किए आंवले का मुरब्बा बहुत ही टेस्टी बनेगा। एक नई ट्रिक है, इसको ज़रूर बनाकर देखें। इसके लिए सबसे पहले मैंने आंवले ले लिए हैं, इसको मैंने कुछ आंवले लिए हैं और इसको पॉली बैग में अच्छे से टाइट पैक कर दिया है। इसको फ्रीज में लगभग एक दिन के लिए रख देते हैं। फ्रीज में रखने के बाद हम निकाल लेते हैं। देखिए, अभी भी पॉली बैग पर जब बर्फ़ जमी थी। इसकी नोट खोलने के बाद इन सारे आंवले को हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, आंवला बिल्कुल टाइट है, अभी बर्फ़ जमी है। मैंने चाकू की नोक से आपको दबाकर भी देखा। सभी आंवले को हम रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं। इनको जो ख़राब हो आप वो निकाल लीजिए। देखिए, इसमें से एक मेरा ख़राब दिख रहा है, इसको मैं साइड में कर लेती हूँ। इसमें से मैं आधे के आंवले का मुरब्बा बनाऊँगी, आधे की दूसरी डिश में यूज़ करी। ये रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं, इसको मैं फॉक्स से सभी में छेद कर लेती हूँ। देखिए, सभी जितने मेरे को मुरब्बा बनाने उसमें मैंने ले लिया है। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम आंवले लिए, तो आपको 250 ग्राम चीनी लेनी है। और इसको एक पतीली में लेकर मुरब्बे के जो आंवले हैं उनको डाल दिया है। अब सबको धीमी आंच पर पकाते जाना है कि जो चीनी है वो आंवले में मिल जाए। इससे एक फ़ायदा ये होता है, ना तो आंवले का जो अंदर का रस है वो उबालने में हमारा बाहर निकल जाता है, वो इससे नहीं निकलेगा। सारे मिनरल्स विटामिन इसमें बने रहते हैं। देखिए, उबालते उबालते हमारे आंवले अंदर तक पक गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा मसाला ऐड कर देते हैं इसको और टेस्टी बनाने के लिए। इसमें थोड़ा सा 1/4 स्पून नमक, 1/4 स्पून इलायची पाउडर, 1/4 स्पून जीरा पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च, ये सब मैंने लेके डाल दिया और इनको अच्छे से उबालते। इससे इसका टेस्ट और भी यम्मी लगेगा। आंवले अच्छे से पक गए हैं। गैस को एक आंवले को दबा कर देख लीजिए, अगर आपके आंवले अच्छे से पक गए तो बंद कर दीजिए। गैस को ठंडा होने दीजिए और लगभग इसको ढककर हमें 2 दिन के लिए रख देना है। जितनी चाशनी दिख रही है वो सब आंवले के अंदर भर जाएगी। और देखिए, बिल्कुल बिना कलर बदले इसका आंवले का टेस्टी मुरब्बा आपके सामने है।